Look, again. Listen, we are going to work together to make sure that the BJP is defeated and the attack on our institutions, the attack on the democratic foundations is stopped. So we are and we are going to win. What is the post alliance? What is the post alliance? All this stuff we will work out, and periodically we will inform you with all the information you need. Please don't interrupt. Can I speak in Hindi? देखिए नायडू जी और हमारी बात हुई और हम सब मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बीजेपी देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देश का लोकतंत्र जो है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ आक्रमण कर रहा है और उसको रोकने के लिए हम मिलकर एक साथ काम करने जा रहे हैं। जो डिटेल्स हैं, जो आपने सवाल पूछे, सब डिटेल्स का राइट समय पे आपको जवाब मिल जाएगा। मगर आपके लिए मेन मैसेज, हिंदुस्तान के लिए, युवाओं के लिए मेन मैसेज कि हम सब मिलकर काम करेंगे। और जो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, जो देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी और 30,000 करोड़ रुपए और किसान, इन चीजों को हम इशू बनाकर चुनाव लड़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और काफी मोमेंटस समय है, तो आप लोग भी बहुत खुश हैं। चलिए और आपकी पार्टी और सारी विपक्ष की पार्टी कोशिश करिए कि राम मंदिर ना बने। एंड तब है जब प्राइम मिनिस्टर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग अस। आई नो इट इज डिफिकल्ट इन द टाइम्स ऑफ Mr. Narendra Modi for you to speak openly, but I am very happy that many of you are becoming very brave. Thank you.